हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश स्टेट यानी कि एमपी स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए राउंड टू की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है। 2023 के डाटा को अकॉर्डिंग यानी कि डाटा को बेसिस मानकर इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि राउंड टू में इस साल क्या कट ऑफ रह सकती है। हमेशा कंपेयर करके मैं चीज़ें आपको समझाता हूँ, उससे बहुत ज़्यादा क्लियरिटी होती है और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एग्जैक्ट वही कट ऑफ रहे जो हम आपको बता रहे होते हैं यहाँ पर इस वीडियो में। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखना, एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। इसके अलावा हमारी पेड काउंसलिंग के लिए नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, तो वहाँ पर हमें कॉन्टैक्ट कर लेना, हम आपकी पेड काउंसलिंग कर देंगे इजीली। इसके अलावा जिन भी स्टूडेंट्स का कम मार्क्स हैं वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म का एक लिंक गिवन है, उसको फॉर्म को फिल कर दीजिए, हम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। इसके अलावा आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए ताकि ये चैनल जितना ज़्यादा ग्रो होगा उतनी ही बेटर क्वालिटी और कंटेंट के साथ में आपको यहाँ पर वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। जितने ज़्यादा बटरफ्लाइज और जो प्रॉब्लम आपको सामने आ रही है यानी कि जितने ज़्यादा डेस्परेशन आपको ये जानने के लिए है कि कॉलेज हमें अलॉट होगा या फिर नहीं और कौन से राउंड तक हो सकता है, तो ये वीडियो एंड तक देखने के बाद में हो सकता है कि आपके वो सारे डाउट्स इस वीडियो में मैं क्लियर कर पाऊँ। अगर आपको कहीं पर भी ये वीडियो नॉलेजेबल लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब वहीं पे कर देना एक गिफ्ट के रूप में, कि अगर आपको नॉलेज थोड़ी सी भी पसंद आए वीडियो तो फिर वहीं पे लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो चलो फिलहाल स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके। तो लाइक और सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट रहेगी, जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा ये चैनल ग्रो होगा और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करवाइएगा। चलो अभी फिलहाल स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। इसी मुद्दे पे बात करने से पहले अपन को पता है कि राउंड फर्स्ट की बात करेंगे 2023 की तो क्या कट ऑफ रही थी, क्योंकि 2024 के फर्स्ट राउंड का रिजल्ट भी आ चुका है, तो इससे कंपेयर करके हमें क्या पता चलेगा वो मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो उस टॉपिक पर ले जाने से पहले आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो बात करेंगे जनरल कैटेगरी की, तो स्कोर था 471 और ऑल इंडिया रैंक थी 1,39,198 और नीचे जो ब्रैकेट में नोट की हुई है ये है आपकी स्टेट रैंक 3,271 स्टेट रैंक के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ था राउंड फर्स्ट के अंदर 2023 की राउंड फर्स्ट के अंदर। बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी, 468 स्कोर 1,42,047 ऑल इंडिया रैंक 321 स्टेट रैंक के ऊपर एडमिशन यहां पर मिला था। देखते हैं बाकी कैटेगरीज की, तो ज्यादा यहां पर डिस्कस करने वाली बातें नहीं है, मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो आप जरूर इसको समझे। आपको सारी चीजें दिख रही होंगी। एससी की बात करें तो 342 स्कोर था और 329,574 ऑल इंडिया रैंक और 5,811 स्टेट रैंक के ऊपर एडमिशन मिला था 2023 के फर्स्ट राउंड में प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर। एसटी कैटेगरी में 226 मार्क्स और 6,24,124 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर एडमिशन मिला था 8,087 ऑल इंडिया रैंक सॉरी स्टेट रैंक के ऊपर यहां पर एडमिशन मिला था 2023 में राउंड फर्स्ट में प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। अब इससे क्या मतलब निकला, क्या क्यों अपन इस चीज को देख रहे हैं, अब मूव करते हैं डायरेक्ट 2023 के सेकंड राउंड के बीच। ये आता है 2023 का सेकंड राउंड, फर्स्ट राउंड आपको पता चल गया होगा, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना आप। कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 455 स्कोर था और रैंक थी 1,55,789 ऑल इंडिया रैंक के डिफरेंस के लिए यहां पर ये कट ऑफ रही थी 2023 के सेकेंड राउंड के अंदर। तो 3,609 स्टेट रैंक थी, 15 मार्क्स का डिफरेंस था यानी कि डिक्रीज देखने को मिला है, मैंने ग्रीन में नोट किया है, यानी कि फर्स्ट राउंड से सेकेंड राउंड के बीच में 15 मार्क्स कम कट ऑफ रही है लास्ट ईयर 2023 के अंदर सेकेंड राउंड में फर्स्ट राउंड के कंपैरिजन में। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 454 मार्क्स 1,58,678 ऑल इंडिया रैंक और 3,669 स्टेट रैंक के ऊपर 14 मार्क्स का कम के अंतराल के ऊपर ये कट ऑफ क्लोज हुई थी 2023 के अंदर राउंड टू के अंदर, ये आपको समझ में आता होगा। एससी की बात करें तो 339 स्कोर के ऊपर और 3,35,670 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर, बाकी रैंक में आपको थोड़े से नीचे दिखाता हूँ और बाकी कैटेगरीज की भी। तो यहां तक अगर आपको थोड़ा सा हेल्पफुल लगा हो वीडियो तो लाइक। तो बात अपन कर रहे थे एससी कैटेगरी में, तो ये ऑल इंडिया रैंक थी 5,874 स्टेट रैंक के ऊपर -5 मार्क्स रहे थे, यानी कि फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड के बीच में ओनली 5 मार्क्स का डिफरेंस था, 5 नंबर कम कट ऑफ गई थी सेकंड राउंड में। एसटी कैटेगरी में 239 स्कोर था 5,83,093, अब ये रैंक आपको थोड़ी सी कम देखने को मिल रही होगी, स्कोर जरूर थोड़ा सा कम था यानी कि 12 मार्क्स, मैंने यहाँ पे ग्रीन से नोट कर दिया, हालांकि रेड में होना चाहिए था क्योंकि 12 मार्क्स ज्यादा रहे थे यहाँ पर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, यानी कि फर्स्ट राउंड 226 पे गया था लेकिन सेकंड राउंड 239 मार्क्स यानी कि स्कोर के ऊपर चला गया था, 12 नंबर ज्यादा चला गया था, तो ऐसा भी होता है, ये भी आप जरूर ध्यान रखना। तो 583 प्लस माइनस आप इसमें थोड़ा सा कर सकते हो, यानी कि ऑल इंडिया रैंक भी यहाँ पर कम हुई है 7,883 ऑल इंडिया सॉरी स्टेट
एडमिशन यहाँ पर मिला था। तो एसटी कैटेगरी में ध्यान रखना कि इनकी जो कट ऑफ है वो फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में ज्यादा गई थी, स्कोर भी ज्यादा था 12 नंबर से और रैंक भी ज्यादा चली गई है। ऑब्वियसली अगर स्कोर ज्यादा है तो रैंक तो वापस ज्यादा होगी ही, ज्यादा कहने का मतलब कि अच्छी रैंक थी वहां पर एडमिशन मिला था, बहुत लो कट ऑफ के ऊपर नहीं मिला था। तो ये अब इसका क्या लॉजिक है बताने का वो आगे मैं समझाऊंगा आपको। अब बात करते हैं 2024 के ऊपर आते हैं और एक्सपेक्टेड कट ऑफ अपन डिस्कस करें। बात करेंगे 2024 के फर्स्ट राउंड के लिए। इससे पहले आप अगर हमारी पेड काउंसलिंग लेना चाहते हो तो नंबर आपको जगह जगह पे दिखे होंगे, वहां पे हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। यूआर कैटेगरी की बात करें तो 558 मार्क्स रही थी, 127,557 तो ये रैंक थी। अब ये रैंक आप चेक करना कि 2023 की रैंक से भी ज्यादा है, यानी कि 2023 की रैंक में ज्यादा फर्क देखने को मिला है 2024, यानी कि कट ऑफ थोड़ी हायर साइड में गई है। यानी कि बहुत से स्टूडेंट या फिर पेरेंट्स ये मानते हैं कि उतनी कट ऑफ तक तो एडमिशन मिल ही जाएगा जो कि लास्ट ईयर था। तो आपने फर्स्ट राउंड की कट ऑफ चेक कर ली थी कितनी थी, और यहां पर आप चेक कर सकते हो कि 16,000 रैंक का डिफरेंस है फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड के बीच में, यानी कि काफी ज्यादा नंबर है डिफरेंस जो कि देखने को आपको मिल रहा है, ये आप जरूर चेक करना। यानी कि लास्ट ईयर 1,39,198 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर एडमिशन मिला था फर्स्ट राउंड के अंदर, लेकिन 2024 में आप देखो कि 1,27,000 ही है, तो लगभग 12,000 रैंक जो है इस साल ज्यादा रही है। हालांकि सीटें भी इंक्रीज हुई हैं लेकिन उनका फर्क उतना देखने को नहीं मिला, और 12,000 रैंक इस साल ज्यादा रही है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, इस बात पे आप जरूर फोकस रखना। नेक्स्ट बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी में 555 ऑल स्कोर के ऊपर और 130,688 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर क्लोज हुई है, जो कि लास्ट ईयर जो ये रैंक थी वो थी 1,42,047, यानी कि इतना रैंक था, लेकिन इस साल फिर 12,000 लगभग रैंक का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पर स्टेट रैंक चेक करो, स्टेट रैंक लास्ट ईयर जो थी वो 3,321 पे थी, लेकिन इस साल 3,670 के ऊपर है, ये थोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। जनरल कैटेगरी में जो स्टेट रैंक थी वो 3,271 थी, लेकिन इस साल 3,581 है, तो घबराने की आपको ज़्यादा जरूरत है नहीं। रैंक तो आपको पता है कि इस साल काफ़ी ज़्यादा बन रही है, तो उस पर ज़्यादा फोकस मत करना। अब इसीलिए मैंने स्टेट रैंक नोट की है ताकि आपको एक आइडिया रहे कि यहाँ तक रैंक में एडमिशन हो सकता है, क्योंकि स्टेट रैंक के ऊपर आपको ज़्यादा फायदा होता है, काफ़ी स्टूडेंट को समझ आती है, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट कर दी है। बात करते हैं बाकी कैटेगरी, बात करेंगे एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में 424 मार्क्स के ऊपर फर्स्ट राउंड के अंदर 328,448 स्कोर के ऊपर, यानी कि ऑल इंडिया रैंक के ऊपर एडमिशन मिला था। जो रैंक थी स्टेट रैंक 7676 थी, जो कि आपको आप जानते हो कि जो 2023 का फर्स्ट राउंड था और 5811 स्टेट रैंक के ऊपर एडमिशन मिला था, लेकिन इस साल काफी ज्यादा है, बट रैंक लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बहुत लगभग उतनी ही है, जो कि लास्ट ईयर 329,574 पे थी, इस साल 1,000 लगभग रैंक का डिफरेंस आया है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 300 स्कोर के ऊपर 6,13,246 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर एडमिशन मिला है, लास्ट ईयर की 6,24,000 थी, लेकिन स्टेट रैंक को ऊपर आप फोकस करिए तो 8,087 थी लास्ट ईयर, लेकिन इस साल 10,712 है, और ये रीजन है नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट इंक्रीज होने की वजह से। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ राउंड टू के लिए क्या रह सकती है, उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे, लास्ट ईयर से इस साल कितना डिफरेंस आएगा उसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ पर मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बात करी है, जो कि आप काफी देर से वेट कर रहे होंगे, लेकिन जो सारा सिनेरियो मैंने आपको समझाया उसका समझाने का लॉजिक मेरा क्या था वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो लास्ट ईयर की बात करें तो इस साल जनरल कैटेगरी में 540 मार्क्स रह सकती है, क्योंकि आप जानते हो कि फर्स्ट राउंड की कट ऑफ 558 मार्क्स थी, 15 मार्क्स कम रही थी सेकंड राउंड की, तो मैंने वही एग्जैक्ट नोट किया है कि 15 मार्क्स अगर इस साल भी कम रहते हैं, हालांकि एमबीबीएस सीटें इंक्रीज हुई हैं, मेडिकल कॉलेजेस इंक्रीज हुए हैं, तो वहां से फर्क जरूर पड़ेगा, लेकिन सभी पेरेंट्स स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर कहां तक हम सेफ समझ सकते हैं खुद को, तो मैंने एग्जैक्ट वही डाटा लिया है जो कि लास्ट ईयर रही थी फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड के बीच में, ताकि आपको ये फिक्स हो जाए कि अगर इतना स्कोर हमारा है तो हमें तो कॉलेज 100% मिल ही जाएगा। तो इसलिए मैं सेम डाटा ले रहा हूं जो कि लास्ट ईयर वाला था, इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इसका आप जरूर ध्यान रखना। अब जैसे कि अगर आप इसमें 15 मार्क्स कम करोगे 558, क्योंकि फर्स्ट राउंड की कट ऑफ थी 2024 की, उसमें अगर 15 मार्क्स कम करोगे तो 543 होता है, लेकिन मैंने 540 लिया है, प्लस माइनस 2 मार्क्स लिए हैं, वो इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ एमबीबीएस सीटें इंक्रीज हुई हैं, तो उससे स्टूडेंट को फायदा होगा। अब यहां पर रैंक आप 1,44,148 बताने का कारण है कि यहाँ पर कट ऑफ के अंदर डिफरेंस इसलिए आएगा क्योंकि लास्ट ईयर जो फर्स्ट और सेकंड राउंड के बीच में कट ऑफ का डिफरेंस था वो 16,591 था, तो वही कट ऑफ का डिफरेंस मैंने लेकर यहाँ पे नोट कर दी है 1,44,148 यहाँ तक हो सकती है। रैंक में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ये आप सब लोग जानते हो, क्योंकि मैं सिर्फ पिछले साल के डाटा को बेसिस मानकर बता रहा हूँ, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत रैंक में ऊपर नीचे हो सकता है, ये बात आप जरूर ध्यान रखना।
ओबीसी कैटेगरी की बात करेंगे तो 538 प्लस माइनस 2 मार्क्स, क्योंकि फर्स्ट राउंड में लास्ट ईयर जो डिफरेंस आया था फर्स्ट और सेकंड के बीच में वो 14 मार्क्स का था, तो मैंने भी यहां पर वही लेने की कोशिश की है जो कि एग्जैक्टली होता है 541, क्योंकि मैंने 2 मार्क्स कम लिए हैं, वो नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट इंक्रीज होना और नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज इंक्रीज होना, ये मैंने लॉजिक आपको बताया है। दो नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, कट ऑफ की बात करें 1,47,319, लॉजिक इसका भी है कि इसकी भी जो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड 2023 में डिफरेंस था वो 16,631 रैंक का था, तो मैंने वही एग्जैक्ट डाटा यहां पर ऐड करके जो 2024 में फर्स्ट राउंड में रही थी ऐड करके आपको बता दिया है, तो यहां तक रहने के चांसेज है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ये मैं आप बार बार रिपीट करके आपको बता रहा हूं। बात करेंगे एससी कैटेगरी की, 418 मार्क्स प्लस माइनस 2 मार्क्स, जो कि फर्स्ट राउंड में 424 मार्क्स थी, लेकिन लास्ट ईयर से डिफरेंस देखें तो ओनली 5 मार्क्स का था, तो मैंने वही 5 मार्क्स कम किए हैं और आपको बता दिए हैं। प्लस माइनस 2 मार्क्स 334,544 और इंडिया रैंक तक आप खुद को सेफ समझ सकते हो, क्योंकि एससी कैटेगरी में 2023 में जो डिफरेंस आया था फर्स्ट से सेकंड राउंड के बीच में था एग्जैक्टली 6,096 रैंक का, तो यहां पर मैंने उतना ही यहां पर डिफरेंस लेकर आपको समझा दिया है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो लास्ट ईयर कट ऑफ थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था, तो यहां पर आप थोड़ा सा इंक्रीज करके चल सकते हो, यहां पर मैंने थोड़ा सा कम बता दिया, लेकिन 300 प्लस यहां पर होने वाली है, क्योंकि लास्ट ईयर जो कि 300 थी, तो यहां पर इस साल मुझे लगता है कि ये कट ऑफ थोड़ी सी लो रहेगी। जैसे कि मैं इससे यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ था कि 6,285 मार्क्स, जो कि 15 मार्क्स का डिफरेंस आएगा, सॉरी जो कि 12 मार्क्स का डिफरेंस था वो कि इंक्रीजिंग में आया था, डिक्रीजिंग में नहीं, तो यहाँ पर जो कि फर्स्ट राउंड में 300 थी तो यहाँ पर 310 हो सकती है और रैंक 5,72,215 ऑल इंडिया रैंक तक आपको एडमिशन मिल सकता है लास्ट ईयर के कंपेरिजन में, बट मुझे लगता है कि इसे थोड़ी ज्यादा रैंक जाएगी। लॉजिक मैंने आपको बहुत सारे समझा दिए हैं कि फर्स्ट राउंड में फिर एग्जिट होता है, बहुत सारे स्टूडेंट वो पार्टिसिपेट करते हैं जो कि रियल में एडमिशन नहीं लेना चाहते, क्योंकि फर्स्ट राउंड में किसी भी तरीके की कोई फीस लगती नहीं है, सेकंड राउंड में क्योंकि सिक्योरिटी अमाउंट भी जमा होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट से आपका जो कंपटीशन है वो कम होता चला जाएगा और आपको एडमिशन मिलने के चांसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहां पर ध्यान रखना कि 310 मार्क्स प्लस माइनस 2 है, ये आप जरूर कंसिडर करके रखना। 285 मार्क्स मैंने इसलिए नोट किया है क्योंकि जो लास्ट ईयर था वहां पर 12 मार्क्स का ज्यादा नहीं रहा, सॉरी कम नहीं रहा था, ज्यादा रहा था, तो ये मेरा समझाने का आपको मतलब था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कंपेयर करके मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, थोड़ा सा डिस्टर्ब आप हुए होंगे बीच में अलग अलग टाइप की नोसेस की वजह से, कंस्ट्रक्शन का काम चलने की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा इसको मैं ठीक करने की कोशिश करूंगा। हालांकि यहां तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कर देना। मैं अजय शर्मा एस नीट की तरफ से आपको सारी अपडेट्स प्रोवाइड करवाता हूं। उम्मीद करता हूं कि जितने आपके डाउट थे वो क्लियर हुए होंगे, यहां तक आप खुद को सेफ समझ सकते हो 100%, जो कि लास्ट ईयर का डाटा था उसी को बेसिस मानकर मैंने बताया है। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।